हेलो अभी मैडम रिपीट कर रही है बस ठीक है ठीक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जो लोग अभी भी पाकिस्तान की आवाम को हकायक बताने के लिए यहाँ सुबह से लेकर दोपहर तक गर्मी में खड़े होते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान की आवाम के नुमाइंदे हैं और हक और सच की बात आवाम तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है इसलिए आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने आज देखा कि शायद हकान अब्बासी साहब मिफ्ता इस्माइल साहब और इमरान साहब तीनों को जुडिशल कर दिया गया जितनी देर नैब में रहे और एक बग़ैर ओरिजिनल वारंट के ये याद मैं दिलाना चाहती हूँ कि जिस वक्त शायद हकान अब्बासी साहब को गिरफ़्तार किया गया तो उन नैब के हजरात के पास ओरिजिनल वारंट मौजूद नहीं था जो कि नैब के जो अफसर थे वहाँ जो गिरफ़्तार करने आए उन्होंने फ़ोटो कापी के ऊपर लिखा कि ये ओरिजिनल नहीं है और हम साबिका वज़ीर आज़म को एक फ़ोटो कापी वारंट के ऊपर अरेस्ट कर रहे हैं। तो ये हकूमत जो व्हाट्सएप पे चलती है हकूमत जो फ़ोटो कापियों पे चल रही है हकूमत जो पिछली हकूमत की तख्तियाँ उतार कर अपनी तख्तियाँ लगा कर चल रही है हकूमत जो फ़नी गाला से चल रही है हकूमत जो झूठ पर मबनी है उन्होंने पूरी कोशिश की कि नैब के ज़रिए इन तीनों के ऊपर दबाव डाला जाए और ये शायद हकान अब्बासी साहब की स्टेटमेंट है जो आज नैब की अदालत में उन्होंने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया है और इस स्टेटमेंट में वो तमाम हकायक मौजूद हैं जो नैब के दौरान इन्वेस्टिगेशन में उन पर दबाव डाले गए इमरान साहब और मिफ्ता पे कि आप वादा माफ़ गवाह बन जाएं और शाहिद साहब को भी बार बार लेकिन शाहिद साहब ने जो पहले दिन बात कही थी कि मैं बतौर वज़ीर आज़म और बतौर वज़ीर तमाम काम जो मैंने किए हैं पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के लिए चाहे वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का काम हो चाहे वो एलएनजी का प्रोजेक्ट हो चाहे वो पाकिस्तान की आवाम को एनर्जी देने के प्रोजेक्ट्स हों और बतौर वज़ीर आज़म जितने मैंने काम किए वो सब मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ और आज भी इस स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने इसको दर्ज किया है और बताया है कि किस तरह मिफ्ता इस्माइल साहब और इमरान साहब पे दबाव डाला गया और ये मीडिया को दे दी गई है ये रिकॉर्ड का हिस्सा है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। आपको मैं ज़रूर दरख्वास्त करूँगी कि जिस तरह आप लोग मैं आपको खराज तहसीन पेश करती हूँ मीडिया मुझे पता है आप लोगों पे कितना प्रेशर है मुझे पता है टॉक शो बंद कर दिए जाते हैं मुझे पता है आर्टिकल नहीं छपते और झूठा वज़ीर आज़म बाहर जाकर कहता है मेरे मुल्क में मीडिया आज़ाद है झूठ बोलते हैं इसलिए आप पे जितने प्रेशर हैं उनके बावजूद जो आप हक और सच के साथ खड़े हैं तमाम मजबूरियों के बावजूद मैं तमाम मीडिया के हजरात को खराज तहसीन पेश करती हूं और ये मीडिया को मैंने रिपोर्ट दे दी है। कल एक और तमाशा क्योंकि बाकी तमाशे ख़त्म हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता नैब की कस्टडी से लोग जुडिशल हो रहे हैं तमाम रेफरेंस तमाम नैब की कार्रवाई के बाद रेफरेंस मौजूद नहीं है इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स को पता ही नहीं है कि वो सवाल क्या करते हैं और इसका जवाब क्या आना है और तमाम इंक्वायरीज़ के बाद लोग जुडिशल इसलिए हो रहे हैं कि नैब कुछ साबित नहीं कर सक रहा। फ़नी गाला से हुक्म आता है अरेस्ट करो नैब को और अरेस्ट कर लिया जाता है लेकिन उसके बाद इंक्वायरी होनी है उसके बाद फाइलों में रिकॉर्ड का हिस्सा है कहाँ क्या हुआ पिछली हकूमत के मुनाफे को खसारा बनाकर दिखाओ और नैब की इंक्वायरी में कहो कि जितनी आमदनी है उसको मुनाफा बनाओ और कहो कि ये शायद हकान अब्बासी ने मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की अगर वो करप्टेड प्रोजेक्ट्स थे अगर वो मुनाफा नहीं दे रहे थे अगर उनमें करप्शन हुई थी अगर उस डील में करप्शन हुई थी ये पाकिस्तान के अंदर सबसे लोएस्ट निगोशिएटेड डील है और अल्लाह ताला के फजल व करम से 8,811,000 में से जो बिजली है वो पाकिस्तान की तारीख की सबसे सस्ती तरीन बिजली नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को दी थी और अपने खसारे को अपने कर्जे को
अपनी नालायकी को और अपनी नाअहली को झूठ बोलकर तब्दील नहीं किया जा सकता। आपने झूठ बोलकर तब्दीली लाने का वादा किया, लेकिन झूठ बोलकर आप उन हकायक को बदल नहीं सकते। कल का तमाशा, क्योंकि फनी गाला में बैठे हैं जोकर्स, रात को लिखते हैं ड्रामा, सुबह उसका तमाशा करने का पूरा प्लान करते हैं। कल का तमाशा क्या था जी, कि नैब ने शहबाज शरीफ और मोहसिन लतीफ़ के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया और 10 साल चीफ मिनिस्टर ऑपोजिशन लीडर एलानिए में आता है, बदउनवानी का लफ्ज़ का मजाक उड़ना शुरू हो चुका है, एसेट बियॉन्ड मींस का मजाक उड़ना शुरू हो चुका है। बदउनवानी क्या होती है, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी क्या होती है, वो असासे आमदन से ज़्यादा क्या होते हैं जब करप्शन नहीं मिलती, जब कोई भी। शहबाज शरीफ ने तो 5600 मेगावाट बिजली बनाई, शहबाज शरीफ ने 6000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें बनाई, और नालायकों शहबाज शरीफ ने डेंगी ख़त्म किया, आज 10000 मरीज डेंगी के हैं। करो गिरफ्तार ना, क्यों ख़त्म किया था, उसमें भी करप्शन ढूँढें, बिजली में भी करप्शन ढूँढें, उसमें कोई करप्शन नहीं, बदउनवानी। और कल के तमाशे की मैं आपको सिर्फ मुख्तसर तफसील बताऊँगी और मीडिया से गुजारिश करूंगी कि इसको प्लीज़ लाइव रहने दीजिएगा, पाकिस्तान की आवाम को मैं बताना चाहती हूँ, आपके प्रेशर्स का मुझे पता है। कल नैब ने इंक्वायरी स्टार्ट की, एक कच्ची आबादी, ये इतना अनापरस्त शख्स है इमरान साहब जिसका नाम है, और मैं ख़ान नहीं कहती क्योंकि ख़ान जो होते हैं वो बड़ी मुस्तहकम और बड़ी ताकतवर कौम होती है, मैं इसको ख़ान भी नहीं कहती। तो औकाफ की ज़मीन 1985 में एक कच्ची आबादी, ये शहबाज शरीफ की दुश्मनी के अंदर कच्ची आबादी के लोगों के साथ दुश्मनी शुरू हो चुकी है, गरीबों के साथ। इन्होंने तो कितने घर देने थे, 50 लाख घर देने थे, और ये तो गरीबों कच्ची आबादी वालों से ज़मीन छीन रहे हैं। 1985 में जुनेजो साहब, उनको भी शामिल तफ्तीश कर लें, जुनेजो साहब ने ऐलान किया था कि जहाँ जहाँ कच्ची आबादी वाले लोग रहते हैं, कच्चे घरों वाले, वो कच्ची आबादी डिक्लेयर हो जाए। 1985 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने, जुनेजो साहब ने कच्ची आबादी का ऐलान किया और फॉर्मलाइज़ किया, और 1985 में ये वाली भी जिसका नाम शाह शम्सकारी कच्ची आबादी था, और उसके अलावा पाकिस्तान की तमाम कच्ची आबादियों को रेगुलराइज़ कर दिया और फॉर्मल कर दिया। 1988 में एप्लीकेशन दी इन गरीब लोगों ने, 1988 में एप्लीकेशन दी इन गरीब लोगों ने कि हमें इसके मालकाना हकूक दे दिए जाएं, जो कि उस वक्त की हकूमत ने कहा कि आपको मालकाना हकूक इस वक्त रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती, आपको हम 33 साल के लिए लीज़ पर यह ज़मीन दे देते हैं। तो जब लीज़ पर यह ज़मीन 33 साल के लिए दे दी, तो ये ज़मीन उन कच्ची आबादी के मकीनों की थी, ये औकाफ की भी नहीं थी, ये लीज़ पर 33 साल के लिए दे दी गई थी उन गरीब लोगों को कि वो अपने घर बना लें। उसके बाद 1988 में लीज़ पर चली जाती है, परवेज़ इलाही साहब की हकूमत आती है, इसके साथ एक आबादी है जिसका नाम है हज़रत मियाँ मीर। हज़रत मियाँ मीर की आबादी को 2004 के अंदर परवेज़ इलाही साहब मालकाना हकूक देते हैं उन गरीबों को, बहुत अच्छा किया था, मालकाना हकूक दिए थे क्योंकि ये ज़मीन लीज़ पे ऑलरेडी उनके पास थी। और परवेज़ इलाही साहब ने 2004 में हज़रत मियाँ मीर की 199 कनाल उनको ज़मीन दे दी थी, मालकाना हकूक दे दिए गए। 2009 में शाह शम्सकारी के मकीनों ने, जिनको लीज़ पे ज़मीन दी गई थी, उन्होंने एप्लीकेशन दी उस वक्त के वज़ीर आला जिनका नाम शहबाज शरीफ था, लेकिन साथ शरीफ लगता है, प्रॉब्लम सिर्फ ये है। तो शहबाज शरीफ साहब को एक एप्लीकेशन आई, और डायरेक्ट नहीं आई, औकाफ जिसकी ज़मीन थी, औकाफ को वहाँ के मकीनों ने, शाह शम्सकारी के कच्ची आबादी के मकीनों ने, जिनके पास लीज़ पे ज़मीन मौजूद थी, उन्होंने एप्लीकेशन दी कि हज़रत मियाँ मीर की जो आबादी है, जो कच्ची आबादी, उसके पास, उसको मालकाना हकूक 2004 में दे दिए गए हैं, इसीलिए उसी प्रेसिडेंट को आप सामने रखते हुए हमें भी मालकाना हकूक, और वो 199 कनाल थे, ये आप सबके इंफॉर्मेशन के लिए 34 कनाल थे, 34 कनाल। और एप्लीकेशन औकाफ को गई, औकाफ ने पूरे केस को देखा,
तमाम पिछली हिस्ट्री को देखा कि जहाँ जहाँ कच्ची आबादी को मालकाना हकूक दिए गए हैं पूरे पाकिस्तान में और पंजाब में, पिछली हुकूमत ने पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए औकाफ ने प्रपोजल दिया सीएम सेक्रेटेरिएट को। ये शहबाज शरीफ का प्रपोजल नहीं था, ये उन गरीबों का कच्ची आबादी के मकीनों की एप्लीकेशन के ऊपर औकाफ का प्रपोजल था सीएम पंजाब को। और सीएम पंजाब ने पूरे उनके सेक्रेटेरिएट ने वो फाइल पढ़ी, वो तमाम प्रेसिडेंट्स देखे और 34 कनाल गरीबों को, जहांगीर तनीन को नहीं, अलीमा बाजी को नहीं, गरीबों को 34 कनाल जो पहले 199 कनाल दे चुके थे दूसरी साथ वाली कच्ची बस, और साथ है ये जो हज़रत मियां मीर की आबादी है, ये बिल्कुल साथ है उस आबादी के जो शाह शम्स कारी की आबादी है जहां शाह शम्स का मज़ार भी मौजूद है। उनको 2009 में 34 कनाल, आज दुश्मनी में गरीब के पास जिसने 50 लाख घर देना था उसको 34 कनाल, शहबाज शरीफ की दुश्मनी में गरीब के साथ दुश्मनी हो रही है 34 कनाल औकाफ के प्रपोजल के ऊपर। पिछली प्रेसिडेंट्स को देखते हुए सेक्रेटेरिएट ने वो ज़मीन के मालकाना हकूक जो कि पहले से उन मकीनों के पास लीज़ पर मौजूद थी उनको दे दिए। और इसके ऊपर बात क्या हो रही है, बदउनवानी की। अगर बदउनवानी है कि गरीबों को ज़मीन क्यों दी 34 कनाल जो उनकी अपनी ज़मीन थी लीज़ के ऊपर, औकाफ उनको दे चुका था 33 साल के लिए और आबादी उनके साथ वाली को मालकाना हकूक परवेज़ इलाही साहब 2004 में दे चुके थे, तो फिर शहबाज शरीफ ने बदउनवानी की या उन गरीबों का भला किया? बदउनवानी तो आज हो रही है जहां 11,000-12,000 डेंगू के पेशेंट हैं, बदउनवानी आज हो रही है जहां चोर दरवाजे से जीआईडीसी में अरबों जहांगीर तरीन के हवाले कर दिए जाते हैं, बदउनवानी अब हो रही है जहां एथेनॉल के ऊपर से ड्यूटी हटाकर शुगर मिल्स वालों को मुनाफा देकर टैक्स एग्जेम्प्ट करके जहांगीर तरीन के हवाले कर दिए जाते हैं। बदउनवानी वो है कि आप वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर झूठ बोलते हैं। बदउनवानी बीआरटी में है। कल क्या ही अच्छा होता कि नैब चेयरमैन एक इंक्वायरी का ऐलान करते। ये शहबाज शरीफ की ये जो औकाफ के ऊपर तमाशा लगाया गया, औकाफ की ज़मीन के ऊपर गरीबों को जो कनाल पैस दिए, गरीब लोगों को कच्ची आबादी के जो उनकी अपनी ज़मीन थी, तो जो बीआरटी 1 खरब के खड्डे हैं वो बदउनवानी है, वो करप्शन है, वो तमाशा है, वो गरीबों के टैक्स पेयर मनी के साथ क्या किया गया है उसके ऊपर कोई बदउनवानी नहीं, कोई मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी नहीं, कोई करप्शन नहीं। मरियम नवाज के दादा ने मरियम नवाज को क्यों प्रॉपर्टी में शेयर दिया, बदउनवानी है, करप्शन है। शहबाज शरीफ ने क्यों गरीबों को घर दिए, बदउनवानी है, करप्शन है। 11,000 मेगावाट बिजली क्यों दी लोगों को, बदउनवानी है, करप्शन है। 11,000 किलोमीटर सड़कें क्यों बनाई, बदउनवानी है, करप्शन है। मेट्रो जहां 1 खरब के खड्डे खुद रहे थे, शहबाज शरीफ ने 3 मेट्रो चलाकर दिखाई, ऑरेंज ट्रेन इन्होंने बंद की, वो बदउनवानी है, वो करप्शन है। जहां पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिले, जहां पाकिस्तान के अवाम के लिए दुनिया की सस्ती तरीन एलएनजी मिले, जहां इनसे सवाल करें तो 21 किलो हेरोइन डाल देते हैं, इनसे सवाल करें तो जेलों में डालने की धमकी देते हैं। नैब का कॉल अप नोटिस मजाक बन चुका है इस वजह से, इसलिए माजरत के साथ बदउनवानी कहने वालों को मैं कहना चाहती हूँ, बदउनवानी आपके जहनों में है, बदउनवानी और तब्दीली जो तब्दीली के दावेदार हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ कानून का मजाक ना उड़ाएं। नैब चेयरमैन को मैं कहना चाहती हूँ कि बीआरटी की इंक्वायरी खोलें, नैब चेयरमैन को कहना चाहती हूँ जीआईडीसी की इंक्वायरी खोलें, नैब चेयरमैन को कहना चाहती हूँ एथेनॉल के ऊपर एग्जेम्पशन हुई खोलें। शहबाज शरीफ
نے پاکستان کی عوام کی خدمت کی ہے، نواز شریف نے پاکستان کی عوام کی خدمت کی ہے، اور وہ پاکستان کی عوام کو پتہ چل چکا ہے جو آپ کو جھولیاں اٹھا کر بددعائیں دے رہے ہیں. بہت شکریہ جی. کوئی سوال ہے؟ ارتھ کوئی کا بتایا نا، وہ بھی کہا کہ نا کہ تبدیلی ہے. تھینک یو بھائی. مائک لے سب کے.